हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूँ। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा इन सेंटर के बारे में। लेकिन इन सेंटर शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें कि इन सेंटर में जो जो प्रॉपर्टीज़ हम इसमें बताएंगे वो प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखें। कॉम्पिटिशन में जो भी प्रॉब्लम बनता है वो प्रॉपर्टीज़ पर बनता है, और स्कूल वगैरह में जो प्रॉब्लम आएगा वो सीधा सीधी फॉर्मूला पे आएगा। तो थोड़ा प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझेंगे हम, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से अलग अलग दिखा देंगे हम सब कुछ। तो सबसे पहले इन सेंटर होता क्या, व्हाट इज़ इन सेंटर। आप लोग सेंट्रॉइड पढ़ चुके हैं, सेंट्रॉइड में आप लोग पढ़े हैं कि सेंट्रॉइड जो होता है वो मीटिंग पॉइंट होता है मीडियंस का, जहाँ पे मीडियन आके एक दूसरे से मिलता है, जहाँ पे मीडियन आके एक दूसरे से मिलता है वो आपका सेंट्रॉइड कहलाता है। इन सेंटर जो है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट होता है। इन सेंटर जो है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट, जैसे इसका आप डेफिनेशन लिखेंगे कि इन सेंटर इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, याद रखें। अगर कोई पूछे आपसे डेफिनेशन तो क्या बोलेंगे, इन सेंटर इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। जैसे गौर करें, ये आपके पास एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ए बी एंड सी, ये आपका एंगल ए इंटरनल एंगल, अगर हम बाहर वाले एंगल की बात करें तो ये आपका एक्सटर्नल एंगल कहलाएगा। तो ये आपका एंगल ए, अभी हम बाहर वाले एंगल की बात नहीं करते, ये एंगल बी और ये एंगल सी, ये तीनों इंटरनल एंगल है। तो इस एंगल का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब समझ में आ रहा, बाइसेक्टर मतलब टू इक्वल पार्ट्स, मतलब इस एंगल को दो बराबर भाग में डिवाइड किया एक लाइन, इस एंगल को दो बराबर भाग में डिवाइड किया एक लाइन, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये एंगल और ये एंगल बराबर, और एक लाइन जो है वो इस एंगल को डिवाइड किया। ध्यान दें, ये लाइन एंगल ए को डिवाइड किया इक्वल पार्ट में, ये लाइन एंगल बी को डिवाइड किया इक्वल पार्ट में, और ये लाइन एंगल सी को डिवाइड किया इक्वल पार्ट में। मान लेते हैं कि ये ए बी सी से ई पे आके मिला, ये लाइन जो है ए बी से डी पे मिला, और ये लाइन जो है ए सी से एफ पे मिला। या ध्यान से सुनते जाएंगे सर, तो ये जो लाइन ए ई है ये ए का बाइसेक्टर है, ये इंटरनल एंगल ए का बाइसेक्टर, ये लाइन बी एफ इंटरनल एंगल बी का बाइसेक्टर, और ये लाइन सी डी इंटरनल एंगल सी का बाइसेक्टर। ये तीनों लाइन आके एक दूसरे से यहां पे मिला, ये तीनों लाइन आके एक दूसरे से यहां पे मिला, तो ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट को हम इन सेंटर कहते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, जिसको हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। ध्यान दे, यहां पे एंगल, यहां पे जो लाइन ए ई है वो इंटरनल एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यहां पे जो लाइन बी एफ है ये इंटरनल एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, और यहां पे जो लाइन डी सी है ये इंटरनल एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। ये तीनों लाइन का मीटिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इसी को हम इन सेंटर कहते हैं, यही आपका इन सेंटर कहलाएगा। अब यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज होता, प्रॉपर्टीज क्या है जरा इसको अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। ये जो लाइन ए ई है इस बी सी को इस जगह पे कट किया, तो ये किसी रेशियो में कट करेगा, अच्छा ये किसी रेशियो में कट करेगा, हम इस पर आ रहे हैं थोड़ी देर में। जरा गौर करें, थोड़ा ज्योमेट्री की हम बात करें, आप लोग 19 में पढ़े होंगे कि अगर आपके पास ट्रायंगल ए बी सी है, ये ट्रायंगल ए बी सी, तो इस साइड का नाम अगर कोई पूछे तो इस साइड का नाम क्या होगा, बीसी, सॉरी ए बी। इस साइड का नाम अगर कोई पूछे तो क्या बोलेगा, बीसी। इस साइड का नाम क्या होता, एसी। ज्योमेट्री में आप लोग 9-10 में पढ़े होंगे कि ये जो साइड ए बी है इसका दूसरा नाम होता है स्मॉल सी, ये जो साइड बी सी है इसका दूसरा नाम होता है स्मॉल ए, और ये जो साइड ए सी है इसका दूसरा नाम होता है स्मॉल बी। मतलब ज्योमेट्री में स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी जो है वो लेंथ ऑफ द साइड होगा, याद रखें, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी जो है वो लेंथ ऑफ द साइड होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी जो है वो वर्टेक्स कहलाता है। तो ये वर्टेक्स, इस वर्टेक्स ए के अपोजिट में जो साइड उसका लेंथ स्मॉल ए, ये वर्टेक्स सी इसके अपोजिट में जो साइड उसका लेंथ स्मॉल सी, ये
वर्टेक्स बी, इसके अपोजिट में जो साइड उसका लेंथ स्मॉल बी, या फिर हम ए बी को सी कह सकते हैं, बी सी को स्मॉल ए और ए सी को बी के बराबर। अब जरा गौर करें इस पे, तो यहां पे जो लाइन ए ई है, पहला पॉइंट लिखेंगे इसको, यहां पे जो लाइन ए ई है इस बी सी को डिवाइड करेगा, ऑब्वियसली बात है आप देख रहे डिवाइड करा इंटरनली, इस BC को डिवाइड करेगा तो किसी रेशियो में डिवाइड करेगा, वो रेशियो होगा C is to B का रेशियो। ये चीज अच्छे से याद रखें, C is to B, इसको दिमाग में कैसे रखेंगे, यहां पे देखिए BC है तो यहां पे ये वर्टेक्स है, तो C के अपोजिट मतलब ये वाला साइड जो है ये स्मॉल C रेशियो, और ये B है तो ये स्मॉल B हो जाएगा। याद रखें रेशियो 1/2 2/4 3/6 ये सब बराबर होता है, इसलिए आप ये नहीं सोचेंगे कि इसका लेंथ ही सी है, रेशियो की हम बात कर रहे हैं। यहां पे ये जो ई है इस बी सी को डिवाइड करेगा किस रेशियो में, सी इज टू बी के रेशियो में, जहां पे सी आपका क्या है, सी क्या है ए और बी का लेंथ, ए और बी के बीच का डिस्टेंस। यहां पे ई सी, यहां पे मतलब इसको सी इज टू बी के रेशियो में डिवाइड करें, जहां पे बी क्या है आपका, बी ए और सी के बीच का डिस्टेंस, ए और सी के बीच का डिस्टेंस, ए पता रहेगा सी पता रहेगा कोऑर्डिनेट में, तो हम ए सी निकाल सकते हैं। तो गौर कीजिए, ये ई बी सी को डिवाइड किया, बी सी को डिवाइड किया, तो यहां पे बी है तो देखिए यहां बी आया, यहां पे सी है तो यहां पे सी आया, तो उसी तरह से ये बी एफ जो है इस ए सी को डिवाइड कर रहा तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, आप कॉमन सेंस से आंसर कर सकते हैं, यहां पे सी है तो ये सी हो जाएगा स्मॉल सी, यहां पे ए है तो ये स्मॉल ए हो जाएगा। ये लाइन जो सी डी लाइन है, सी डी लाइन आपका ए बी को डिवाइड कर रहा किस रेशियो में, यहां बी है तो ये स्मॉल बी बनेगा और ये आपका क्या बनेगा स्मॉल ए। ये आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे सवाल बहुत बार पूछा गया आईआईटी में, याद रखें इस पे सवाल पूछा ही गया है आईआईटी में, ये प्रॉपर्टीज आप याद रखेंगे। ये ए ई है बी सी को डिवाइड कर रहा किस रेशियो में, यहां बी है तो ये बी, यहां सी है तो ये सी, ए बी एफ ए सी को डिवाइड कर रहा किस रेशियो में, यहां सी है तो ये सी आएगा, यहां ए है तो ये ए आएगा। ये टेक्निक है याद करने का। ये सी डी है इसको डिवाइड कर रहा ए बी को, तो यहां ए है तो स्मॉल ए यहां पे, यहां बी है तो स्मॉल बी यहां पे, याद रखें। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हम दिखा रहे हैं दूसरे ट्रायंगल में, कि आपका अच्छे से क्लियर रहे। अब ये एक ट्रायंगल ए बी सी, ये आपका लाइन कौन सा था बी डी, ये आपका है सॉरी यहां पे सी है, ये सी है ये बी है, ये सी डी, ये आपका बी एफ और ये आपका ए ई। अब ये आपका इन सेंटर आई, तो ये जो इन सेंटर है आप देख सकते हैं इस ए एफ को इंटरनली कट कर रहा। अब हम इन सेंटर की बात करें तो ये जो इन सेंटर है ये ए एफ को इंटरनली कट कर रहा, जैसे सेंट्रोइड में आप पढ़े थे कि जो सेंट्रोइड होता वो मीडियंस को 2:1 के रेशियो में कट करता, मीडियन को 2:1 के रेशियो में, उसी तरह से ये जो इन सेंटर है इस ए एफ को ये भी डिवाइड करेगा किस रेशियो में, बी प्लस सी इस टू ए के रेशियो में, इस ए एफ को डिवाइड करेगा। जैसे ये एक लाइन ए एफ हो गया, ये ए ये एफ यहां पे आई है तो किस रेशियो में डिवाइड करा, बी प्लस सी इस टू ए के रेशियो में, इसको भी दिमाग में रखा जा सकता है। ये देखिए ए एफ बी सी पे आया, बी सी पे आया तो B प्लस सी स्मॉल में, लेकिन क्योंकि ये लेंथ है, और ये F कहां से आ रहा है, A से आ रहा है तो A। जैसे ये देखिए ये I किस पे आ रहा है, AC पे आ रहा है तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, A प्लस सी किसे ड्रॉ हो रहा, B से तो B। उसी तरह से देखिए ये CD जो है किस पे ड्रॉ हो रहा है, AB पे, तो ये A प्लस बी इज टू C के रेशियो में। याद रखिए ये I जो है इस AF को इंटरनली डिवाइड करेगा। अगर हम AF की बात करें तो AF किस पे है, BC पे है ना, तो B प्लस सी इज टू ए के रेशियो में। ये अगर CD जो है CD को I डिवाइड करेगा इंटरनली किस रेशियो में, CD किस पे ड्रॉ हुआ AB पे, तो A प्लस बी इज टू C के रेशियो में। उसी तरह से BF
को आई डिवाइड करेगा किस रेशियो में, बी एफ किस पे ड्रॉ हुआ, ए सी पे, तो ए प्लस सी इज टू बी के रेशियो में। ये दो पॉइंट आपको याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखे। अब अगर याद है ये दोनों पॉइंट तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला बहुत आराम से डिराइव किया जा सकता है, लेकिन इसका जो प्रॉपर्टीज है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से सवाल पूछा जाता है। ध्यान दें, ये आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी, ये आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ए जो कि डी पे आया, सॉरी एफ पे आया, नहीं ई था, बी एफ आई ई। हम केवल एक लाइन पकड़ते हैं इन सेंटर निकालने के लिए, ये आपका आई था, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था, सी टू बी के रेशियो में। ये आई इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था, बी सी पे है, तो बी प्लस सी टू ए के रेशियो में। यहां पे क्या रहेगा कि तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको पता होगा, ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू और ये एक्स थ्री वाई थ्री। तो यहां पे ट्रायंगल एबीसी का तीनों वर्टेक्स आपको पता है, ट्रायंगल एबीसी का तीनों वर्टेक्स आपको पता है, आपको आई का कोऑर्डिनेट निकालना, आपको किसका कोऑर्डिनेट निकालना है, आई का कोऑर्डिनेट। गौर करें, आप सबसे पहले ई निकालें, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ई। आप खुद देखिए ये ई इस बीसी को इंटरनली कट कर रहा, किस रेशियो में, सी टू बी के रेशियो में। हम मान देते हैं इसका कोऑर्डिनेट है अल्फा और बीटा, या फिर इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है, अल्फा और बीटा हम मान दिए, और इन सेंटर का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई जो कि हमको चाहिए। तो अल्फा आपका क्या होगा, जरा सोचे खुद, ये अल्फा क्या होगा, ये ई, ई आपका बीसी को डिवाइड करा सी टू बी के रेशियो में, तो ये सी आपका किससे कनेक्टेड है, बी ई से कनेक्टेड है, तो ये सी किसके साथ जाएगा, एक्स थ्री के साथ, तो सी एक्स थ्री प्लस ये बी ई सी के साथ कनेक्टेड है, तो बी किसके साथ जाएगा, एक्स टू के साथ, तो प्लस बी एक्स टू डिवाइड बाई आपके पास बी प्लस सी वन। अगर हम बीटा की बात करें, बीटा की, तो ये जो बीटा है, गौर करें, ये ई का कोऑर्डिनेट है, ई आपका बी सी को डिवाइड किया तो सी वाई थ्री के साथ जाएगा और बी वाई टू के साथ, तो ये सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू डिवाइड बाई क्या आ गया, बी प्लस सी। अब आप खुद देखिए अल्फा बीटा निकल गया, आपको आई निकालना है। अब हम इस लाइन पे आते हैं, इस लाइन को आई डिवाइड कर रहा, इस लाइन को आई किस रेशियो में डिवाइड कर रहा, बी प्लस सी टू ए के रेशियो में, बी प्लस सी टू ए, ये बी प्लस सी किससे कनेक्टेड है, ए आई से, तो फॉर्मूला में बी प्लस सी किसके साथ जाएगा, ई के साथ, ये ए किससे कनेक्टेड है, आई ई से, तो ये फॉर्मूला में ए किसके साथ जाएगा, ए के साथ। तो यहां पे हम एक्स अगर निकालें तो ये बी प्लस सी इंटू अल्फा, अल्फा यहां पे क्या है, ये पूरा, तो सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू डिवाइड बाई बी प्लस सी प्लस ये ए एक्स वन के साथ जाएगा, ए एक्स वन डिवाइड बाई क्या होता, सम ऑफ द रेशियो, तो ये ए प्लस बी प्लस सी, ये बी प्लस सी कैंसिल, आपका क्या आ गया, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आपका एक्स का कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली वाई के लिए हम चलेंगे, तो वाई के लिए हम क्या करेंगे, बी प्लस सी इंटू बीटा करेंगे और स्मॉल ए इंटू वाई वन करेंगे, तो मेरे पास वाई का कोऑर्डिनेट आ जाएगा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आपका इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला हो गया। यहां पे स्मॉल ए आपको याद रखना है कि स्मॉल ए जो है वो लेंथ ऑफ द साइड है, किस साइड का लेंथ है, तो बीसी का। अब खुद देखिए ए पता है, बी पता है, सी पता है, तो इन दोनों के बीच का लेंथ पता चल जाएगा कि नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो अगर इन दोनों के बीच का लेंथ पता चल गया, मतलब ए भी पता चल गया, इन दोनों के बीच का लेंथ पता चल गया मतलब एसी पता चल गया, इन दोनों के बीच का लेंथ पता चल गया मतलब बीसी पता चल गया। और हम लोग जानते हैं कि ए बी जो है वही स्मॉल सी है, बीसी जो है वही स्मॉल ए है, और एसी जो है वही स्मॉल बी है। तो यहां पे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी जो है वो लेंथ ऑफ द साइड है। तो तीनों वर्टेक्स अगर पता है तो आप लेंथ ऑफ द साइड आसानी से निकाल सकते हैं। एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री क्या है,
कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, उसी तरह से वाई वन वाई टू वाई थ्री क्या कोऑर्डिनेट। एक ही और देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला में ए के साथ क्या है, एक्स वन, तो एक्स वन है, ए है तो ए एक्स वन, लेकिन स्मॉल है याद रखिए सब स्मॉल, ए एक्स वन बी एक्स टू सी एक्स थ्री, फिर डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी, ए वाई वन बी वाई टू सी वाई थ्री डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि जरूरी नहीं है, देखिए सब फॉर्मूला इसको याद रखता है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी के टर्म्स में, स्कूल वगैरह में भी बताया जाएगा कि इन सेंटर जो होता है वो ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी होगा। लेकिन अगर ए बी सी चेंज कर देता है तो वहाँ कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाता है स्टूडेंट को। जैसे यहाँ पे मानिए पी का कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, क्यू का कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू और आर का कोऑर्डिनेट है एक्स थ्री वाई थ्री। तो यहाँ पे अगर कोई इन सेंटर पूछा तो क्या होगा, स्मॉल पी एक्स वन, स्मॉल क्यू क्यू के साथ एक्स टू एक्स टू, स्मॉल आर एक्स थ्री डिवाइड बाई पी प्लस क्यू प्लस आर। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे पी क्यू आर क्या होगा, तो पी जो होगा वो क्यू आर के बराबर होगा, क्यू आर क्यू पता है आर पता है डिस्टेंस निकाल लेंगे, स्मॉल क्यू जो है वो पी आर के बराबर होगा, स्मॉल आर जो है वो पी क्यू के बराबर होगा। तो यही आपका इन सेंटर का कंसेप्ट है, इन सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से करें। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम बताएंगे और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देंगे एक्स सेंटर का। ये था इन सेंटर का कंसेप्ट, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्स सेंटर का कंसेप्ट देंगे। इसमें जो जो पॉइंट हम बोल रहे हैं उसको अच्छे से लिखें, उसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग मेरे से पूछें। थैंक यू वेरी मच।